नल आ रहा है इस वैनम 3 के अंदर, और अगर आप नल को नहीं जानते तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर नल है कौन। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेलर के शुरू में। ट्रेलर के शुरू में हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक और उसका फ्रेंड वैनम प्लेन के ऊपर लटके हुए होते हैं। उसी दौरान हम सीन दूसरे के अंदर ये सुनते हैं कि प्लेन के पायलट ये कह रहे हैं कि हम मैक्सिको के ऊपर से उड़ रहे हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ज़ेनोफेज प्लेन के ऊपर नजर आता है और वो वैनम को मारना चाहता है। उसी के नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक प्लेन के ऊपर से गिर रहा होता है और उसी दौरान वैनम शूट की शक्ल अख्तियार कर लेता है और कहता है, देखा मैंने कहा था ना हम उड़ भी सकते हैं। ऐसा क्यों कहा वैनम ने, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कॉमिक्स बुक के अंदर वैनम उड़ सकता था और उसने एडी ब्रॉक को बताया था कि मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन एडी ब्रॉक ये मानता नहीं था। दूसरी तरफ हम ट्रेलर के अंदर नल की एंट्री देखते हैं। नल की एंट्री धमाकेदार थी, मैं कहता हूँ मजा आ गया। लेकिन याद रख लें कि नल कोई छोटा मोटा विलन नहीं है। कॉमिक्स बुक के अंदर इसका बहुत ज्यादा जिक्र आया है। नल ने ही वैनम को क्रिएट किया है और वही ज़ेनोफेजेस को बेच रहा है। ट्रेलर के अंदर हम देख रहे होंगे कि ज़ेनोफेज काफी ज्यादा वैनम के ऊपर हमला कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज जो है वो वैनम से छीनना चाहते हैं, ये ट्रेलर के अंदर दिखाया जा रहा है और वो नल पीछे से भेज रहा है। और याद रख लें कि नल ने ही वैनम को क्रिएट किया है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नल कितना खतरनाक है। अब बात करते हैं इसके डायरेक्टर के बारे में। इसके डायरेक्टर का नाम है एंडी सर्कस और उन्होंने ही वैनम 1 और वैनम 2 को बनाया। याद रख लें कि उनकी वैनम 1 और वैनम 2 आपके सामने कितनी ज्यादा हिट लिस्ट रही थी। अब देखते हैं वैनम 3 क्या करती है। हालांकि वैनम 1 ने काफी ज्यादा बजट अच्छा किया था वैनम 2 के मुकाबले में, वैनम 2 थोड़ा सा नीचे रही, लेकिन देखते हैं वैनम 3 क्या करती है। मुझे जो लगता है कि जिस तरह का ये माल दे रहे हैं मूवीज के अंदर, जिस तरह ये मूवीज को क्रिएट कर रहे हैं और स्टोरी को लेके जा रहे हैं, ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर बात करें इसके सीजीआई और वीएफएक्स के बारे में, तो वैनम का सीजीआई और वीएफएक्स बहुत अमेजिंग रहा है। इसके बहुत ज्यादा ऐसे सीन्स के अंदर बहुत अलग अलग मूवीज में वहां पे लोग गलतियां कर देते हैं, लेकिन वैनम के सीन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस पूरे ट्रेलर के अंदर मुझे ऐसी कौन सी चीज फेवरेट लगी, कौन सा ऐसा सीन था जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट था, और वो था हॉर्स वाला सीन, जिसमें आप ये देखते हैं कि वैनम हॉर्स की शक्ल अख्तियार करता है, और वो सीन देखने वाला था। आप लोग जब मूवी देखेंगे तो मजा आ जाएगा सिनेमा के ऊपर ऐसा सीन देख के। आई थिंक ये एक ऐसा यूनिक सीन वैनम के अंदर डाला गया है जो अनएक्सपेक्टेड था। बाकी पूरी मूवी को जब हम सिनेमा के अंदर देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि मूवी कितनी ज्यादा बेहतरीन रही है। बाकी आप बताएं आपको हमारा वैनम 3 का ट्रेलर रिव्यू कैसा लगा। बाकी ऐसी कौन सी मूवीज या सीजन है जिसके ऊपर चाहते हैं कि हम अपनी न्यू वीडियोस लेकर आएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं है, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।